हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं हूँ मीना शर्मा। मेरे को तो आप जानते ही हो। आज हम फिर आ गए हैं जयंती राउत जी के घर पे। आज इनका खाना जा चुका है अब तक, मैं थोड़ा लेट से आई, और आज हम इनसे कुछ और बातचीत करेंगे। मैडम नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप? सभी बस ठीक छा? सभी और क्या बैजू हाल है आपके? सब भाई बहनों के लिए नमस्कार है। और सब भाई बहनों को यही रिक्वेस्ट आ रही है कि थोड़ा हिंदी में बोलो, हमारी समझ में नहीं आ रही है। गढ़वाली क्या बोल रहे हैं आप? गढ़वाली में आज मैं सभी भाई लोगों को बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गढ़वाली हूँ इसलिए मैं गढ़वाली में बात करती हूँ। पर आपके लिए मैं आज हिंदी में बात करूंगी। तो गढ़वाली भाई जी जो भी छे ना, थोड़ा मैंड नहीं करनी बात है कि आज गढ़ोली में भुनी चे ब्याह गढ़ोली में भुनी चे, आज हिंदी में भुनी चे। इनसे कि मैं तो कई लोग आना चाहिए, रिक्वेस्ट आना चाहिए कि मैडम आप बात तो कर रही हो पर हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, क्या बोल रही हो। इसलिए उनको मैं समझाना चाहती हूँ। मैं जो भी बोल रही थी अपने रीति रिवाज के बारे में बोल रही थी। मैं एक पहाड़की हूँ और एक वैसे आर्मी के से बिलोंग करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आर्मी में है, मेरे पापा भी आर्मी में थे, तो मैं एक सैनिक परिवार से हूँ। इसलिए मैं ये से बातें कर रही थी, जो भी नहीं समझ पाए मेरी भाषा को तो मैं माफ़ी चाहती हूँ उसके लिए। और जो भी भाई बहन हैं सबको मेरे प्यार भरा नमस्कार। और मैं चाहती हूँ कि हर अभी देखो इतना मुद्दा आ रखा है कि कोरोना, जगह जगह कोरोना हो रखा है। कई लोग पीड़ित हैं, कई लोग मतलब इतना पीड़ित हैं कि किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, किसी को रहने के लिए कुछ नहीं है, कोई आधे रास्ते में फंस रखे हैं भाई बहन। तो हम लोगों का एक इंसानियत के नाते से फर्ज बनता है कि हम जब इंसान हैं तो कुछ तो इंसानियत दिखाएं। अभी भगवान ने भी अभी हम लोगों को चुन रखा है अच्छे काम करने के लिए, हर किसी को चुना है परमात्मा ने, और यही मौका है इंसानियत दिखाने का। अभी देखो एक बोलते ना कुदरत का कहर टूटना, अभी ऐसा है कुदरत का कहर है ये। तो मैडम, अभी इसके अलावा आप और क्या-क्या करती हैं? बस मैं जैसे मैंने आज दिन तक काफी जैसे टेम्पल्स बनाए, अच्छा, मदद करी टेम्पल्स बनाने में, शुरुआत करी। जैसे अभी मैंने हनुमान का टेम्पल्स बनवाया माता जी से, या बद्रीनाथ केदारनाथ में समिति में एक माता जी हैं लक्ष्मी रतोड़ी, तो उनके जी साथ मैंने पंचमुखी हनुमान बनवाया। जी और मतलब रात 6 महीने मैंने ऐसे दिए उसको, रात दिन दिए उसको। और दूसरी बात, एक टेम्पल से मैंने वहां बनाया बस्ती में, यहाँ मथुरा वाला के नीचे से ढाल में एक बस्ती है, पुरानी बस्ती है वो, हाँ जी, हाँ जी, तो वहां बस्ती में भी मैं शिव पार्वती का मंदिर बनाया था, उसकी बुनियाद भी मैंने रखी थी। तो मतलब मैंने काफी ऐसे सोच और मैं काम करा, परंतु मैं कैमरे में पहली बार आई। तो मैडम ये तो आप ये सोच आपके दिमाग में आती कहाँ से? आप ऐसे काम करते हैं, आप कहाँ से सोच कैसे सोचती हैं आप इतना कि मतलब मुझे ये बस करना चाहिए? यही है कोई कि बोलता है आपको, कोई सलाह देता है, या आपके नहीं साथ मंदिर बनाने में किसी और का सहयोग भी होगा? नहीं वहां पे तो ऐसे दो, एक यादव की घरवाली है वहां की, है बरेली की जी रहने वाली, वहां की है और वहीं पे उनका घर है। उन्होंने जमीन खरीदी थी, उन्होंने जी बोला कि मेरे कभी बहुत दिन से मेरी इच्छा हो रही बहन, तो मैं वहां गई एक दिन ऐसे रोल माने, वहीं पास में मैं किराए में रहती थी। तो जी उन्होंने बोला कि यार बहन मैं एक टेम्पल्स बनवाना था और पैसे भी नहीं हो रहे। तो जी उस टाइम आप लगा लो 2012 की बात है जब मैंने वो टेम्पल्स बनवाया था। जी उस टेम्पल्स में मैंने उस टाइम क्या होता था, हम लोग फौजी लोगों की तनख्वाह भी, उस टाइम बेटे भी जॉब में नहीं थे, उस टाइम मैंने 5,000 से शुरू करा था वो मंदिर। अच्छा हाँ आज बस्ती में, बल्कि मैं कोई भी जाके देख सकता है, जी बस्ती में मेरा नाम है उसमें। जी और मैंने वो टेम्पल्स बनवाया, तो काफी उस टाइम तो ऐसे ही बस्ती वाले थे, तो मैंने रोज जाके बस्ती में जाके रोज क्या करती थी मैं, सोमवार सोमवार को जी कीर्तन भजन करती थी। तो लोग कोई 2 रुपए चढ़ाते थे तो मैं 10 रुपए चढ़ा के आती थी वहां पे, इस तरह तरह कट्ठे कट्ठे। फिर मैंने यहाँ तक कि कॉलोनी, यहाँ उस ये टेडीसी कॉलोनी है और किस उनके रिश्तेदार थे, जो भी यादव जी के रिश्तेदार थे, तो जी मैं उनकी मिसिस के साथ, उनके जेठानी देवरानी थी उनके धर्मपुर में, उनके घर गई न्योरी कॉलोनी में, काफी 3 दिन तक लगातार गई मैं। मई जून की बात है ये, जी 2012 मई जून की बात है। जी तो उस टाइम में लगातार मैंने, उसने बेचारे मैंने उस बहन ने लगातार हमने चंदा इकट्ठा करा, मुश्किल से पता 6,000 रुपये चंदा इकट्ठा हुआ था उस टाइम। तो हमने अच्छा, छत डाली थी उसकी, उस टेम्पल्स तो की। मैडम बहुत अच्छा काम करते हैं। और तो आज खाने में क्या था आपका?
खास खाने में रोटियां हैं और सब्जी है, बस इतने ही है, रोटी सब्जी है। देखिए मैडम के साथ एक और हैं, इनका और क्या नाम है मैम आपका? जी आपका क्या सहयोग है इसमें इनमें? नमस्कार, मैं प्रणता भारद्वाज, हम जयंती रावत जी के पड़ोस में रहते हैं जी। और मुझे बहुत खुशी है कि हमारी बहन इतना अच्छा काम कर रही है, लेकिन इस समय जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा पूरा देश विदेश विश्व में कोरोना नामक ये महामारी बीमारी से जूझ रहा है। तो मैं माँ विंध्यवासिनी पर्वतवासिनी गुफा निवासिनी माँ वैष्णवी से प्रार्थना करती हूँ कि हे माँ जितनी जल्दी हो हमें इसे कोरोना नामक वायरस से मुक्ति दिलाएं और हमारे सभी सदस्यों को स्वस्थ करें देश विदेश के, और फिर से खुशहाली लाएं। और जैसे कि इस विषम संकट परिस्थितियों में हमारी बहन जयंती रावत जी ने ये कदम उठाया है तो हमें बहुत काबिले तारीफ है ये, और हम इनके हमारे पास शब्द नहीं है कि इनकी प्रशंसा करने के लिए कि क्या कहा जाए। तो मैं हम सब बहनें समझ यथाशक्ति अनुसार यथाशक्ति सामर्थ्य अनुसार जयंती रावत जी के साथ में, और मैं ये चाहूंगी सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अपने घर के अंदर रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद जय भारत।